निश्चित भाव में आम जमी पूर्वानुमान करूँ जो यहाँ गोटे डीप डिप्रेशन हिसाब से पश्चिमबंग निकटस्थ उत्तर ओडिशा उपकूल अतिक्रम कर गोटे डीप डिप्रेशन हिसाब से गत काली 7-8 संध्या समय उपकूल अतिक्रम कला बालेश्वर एवं सागर द्वीप मध्य दीघा निकट में गोटे डीप डिप्रेशन हिसाब से पवन रेग से 55-65 किलोमीटर प्रति घंटा थिला एवं धीरे धीरे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी ओडिशा उपर जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ओडिशा रे गति करी आज वर्तमान झारखंड उपर केन्द्रीभूत अच्छी यार केन्द्र जमी आप देखिपे रांची पाखु 70 किलोमीटर साउथ रे एवं झारसुगुड़ा पाखु पखापाखि 170 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत अच्छी यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर झारखंड होकर छत्तीसगढ़ एवं तापर मध्यप्रदेश आड़क जीव तेणु यार प्रभाव रे जमी गत 24 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा प्राय समस्त जगह वर्षा होगा सहित किसी अंचल हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो अल्प किसी अंचल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रेकर्ड कर स्पेशियाली बालेश्वर और मयूरभंज जिले में एपरी कंधमाल पर्यंत हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल रेकर्ड कर आज जेहेतु यह धीरे धीरे दुर्बल होगा लगुच मूव कर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्क तेणु उपकूल ओडिशा आज विशेष वर्षा होबार ना किंतु आभ्यंतरण ओडिशा विशेषतः उत्तर पश्चिम आभ्यंतरण ओडिशा जोटा रही मन करूँ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ एपटे बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी बरगढ़ इत्यादि ये सब जिला मानक आज आपणकर सबू जगार वर्षा रही अल्प एवं केतक जगार हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो पाए तामाने अफ टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल आज रेकर्ड कर अंचल एवं जो दक्षिण पश्चिम ओडिशा रही मानते तौक जो राज्य रहा कलाहांडी इत्यादि से हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्रोसेस छत्तीसगढ़ में अपर महानदी जो रही केन्द्रस्थी से जगह गुड़िकर अधिक वर्षा रिच्छ प्रभाव रत 24 घंटा मध्य छत्तीसगढ़ आइसोलेटेड प्रोसेस हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल होती आज सब बेस अधिक रेनफॉल आप उत्तर छत्तीसगढ़ हमारे संभावना रही एठार आज हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल किसी जगह सहित एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मैंने 20 सेंट अधिक रेनफॉल उत्तर छत्तीसगढ़ ये जो अंचल से ही अंचल में होवार संभावना रही वर्तमान पर्यंत जो राज्य में किसी अगस्त प्रथम सप्ताह पर्यंत बा अगस्त पूर्व जुलाई लास्ट पर्यंत जो नियंटिया वर्षा थिला -8% ता निश्चित भाव दूरीभूत हो राज्य में बर्तमान सफिसीयंट रेनफॉल हो निश्चित भाव राज्य में बर्तमान ये जो जुलाई और अगस्त कंटिन्यूअसली लो प्रेशर सिस्टम डेवलप है तेणु जो डेफिशिएंट थिला आपन डेफिशिएंसी थिला जून मास रे ता संपूर्ण भाव दूरीभूत हो जाए बर्तमान नॉर्मल एक्सेस रेनफॉल अधिकांश जगह देखा जाए तो सर नेक्स्ट किसी गोटे सप्ताह पर्यंत सेमती किसी आउ सिचुएशन देखते कहीं अगस्त मास रे आम बर्तमान पर्यंत पाखापाखि तीन टी लघुचाप एक्टिव है तापर सर आप सेमती किसी सिचुएशन नेक्स्ट वन वीक कौन सी सेमती लघुचाप क्षेत्र अवपात बंगोपसागर सृष्टि होना तेणु बर्तमान रेनफॉल नेक्स्ट वन वीक डेफिशिएंट रहिबो ओडिशा रे किन सर मनसून एक्टिव रहिबो कि बंगोपसागर मनसून ट्रफ बर्तमान उत्तर भाग रे थोड़ा टिके हिमालय प्रदेश को शिफ्ट होउची किंतु एठी आपणकर ओडिशा एवं वेस्टर्न पाखरे के ऊपर को रहिबो साधारण जो रही थाए साधारणत गंगानगर इलाहाबाद कलकत्ता ता तुलना टिके ऊपर रहिबार संभावना अछि तेणु से अनुसार आपणकर वर्षा जोटा होता है ओडिशा रे साधारणत ताठ कम वर्षा हे नेक्स्ट वन सर विभिन्न मॉडल जमती कि बात्या बुली दर्शाते विभिन्न जगह र्यूमर होता लोक मैंने कि जगह र्यूमर होता बात्या हम बोली जो आईएमडी सठिक आकलन को नहीं कौन सार प्रतिक्रिया मुझे बारंबार यही कथ आप जरिए कहकर चाहूँगी लोक मैंने आमर जो पूर्वानुमान जारी होश्वास करूँ अनेक गुड़े अतीत प्रमाणित हो विदेशी संस्था द्वारा दी जा पूर्वानुमान आम अंचल सठिक हो न पारे कारण आम जो टेक्नोलॉजी यूज करुच्छू आम जो एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज नॉलेज बेस को यूटिलाइज करुच्छू अतीतर अनुभूति को लेकिन ता निश्चित भाव आमको फलप्रद कर साहय करम क्या कहे आम जो रेकर्ड कर सब टू मैक्सीम विंड जो रेकर्ड कर हलदिया पाखे 57 किलोमीटर फर आवर काली संध्या बेले जितेबाला गभीर उपात उपकूल अतिक्रम कला तेणु आम कही पूर्वानुमान 55-65 किलोमीटर फर आवर गोस्टिंग टू 75 किलोमीटर फर आवर तेणु बात्याटे हाँपाई जो पवन दरकार से पवन आम एक्सपेक्ट करूँ कारण आम जो नॉलेज बेस लोकलाइज डेटा जो लोकालज मॉडलिंग एक्सपेक्ट जहाँ सब रही व्यवहार करके आम से निष्पत्ति
ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ IMD DG ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ IMD ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଥିଲା ସେ ଆକଳନ ହିଁ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଗଭୀର ଅବପାତରେ ହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।